नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर। आज से एक नई शुरुआत हो रही है। उत्तराखंड में जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी निकली हुई है, जुलाई में परीक्षा है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों की विशेष मांग थी कि उत्तराखंड एलटी ग्रेड, जिसकी परीक्षा जुलाई माह में होने वाला है, उसकी क्लासें ओपन किया जाए, उसका कोर्स लॉन्च किया जाए। तो अब शुरुआत हो गई है, बिल्कुल हो गई है। उत्तराखंड एलटी ग्रेड में जो इतिहास का टॉपिक है, एलटी ग्रेड में आप जानते हैं कि चार सब्जेक्ट आपके होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, और कॉम्बिनेशन के तहत कोई दो सब्जेक्ट आपको लेने हैं। यह जो चैनल है वह हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट है, इसीलिए हम इतिहास की पूरी तैयारी कराएंगे। उत्तराखंड एलटी ग्रेड में जो एसएसटी का पेपर है आपका, उसमें जो इतिहास का टॉपिक है, हिस्ट्री का जो सिलेबस है, सिलेबस वाइज सारा का सारा मटेरियल मैं आप लोगों को दूंगा। और हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट वह चैनल है जो 100% आपकी तैयारी कराता है। मैं आप लोगों को बता दूं, इसके पहले बीपीएससी में, DSSB में, KBS में, NBS में हमारे द्वारा जो भी मटेरियल तैयार किए गए थे, हमने जो भी मटेरियल अपने लोगों को दिया हुआ था, अपने छात्रों को दिया हुआ था, प्रतियोगी छात्रों को दिया हुआ था, ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने इसका लाभ उठाया। हमारे द्वारा जो भी मटेरियल तैयार होते हैं, जो भी मटेरियल दिए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा बोधगम्य होते हैं, सारगर्भित होते हैं, परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो उत्तराखंड एलटी ग्रेड में जो आपका इतिहास का सिलेबस है, सिलेबस वाइज सारा का सारा मटेरियल मिलेगा। जो भी हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर यहां पर भी है, 8318397276, आप मैसेज कर सकते हैं, कंप्लीट कोर्स आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं भारतीय इतिहास के स्रोत। जो सिलेबस है, सिलेबस में यह आपका टॉपिक है, पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास के स्रोत, इतिहास का अर्थ, क्षेत्र एवं परिभाषा। तो पूरा का पूरा कंप्लीट टॉपिक आज ही के वीडियो में मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं जो भी कुछ आपको पढ़ा दूंगा, बता दूंगा, समझा दूंगा, उससे अलग नहीं आने वाला है। तो जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा, पीपीटी नोट्स भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, कंप्लीट कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं भारतीय इतिहास के स्रोत, यह आपका पहला टॉपिक है और यह पहला लेक्चर्स वीडियो है। उत्तराखंड एलटी ग्रेड इतिहास का यह पहला लेक्चर्स वीडियो है। इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या है? आइए शुरुआत करते हैं भारतीय इतिहास के, इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या है। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के साधन कौन कौन से हैं? दो साधन हैं प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के लिए, दो साधन हैं। एक आपका साहित्यिक साधन होता है और एक आपका पुरातात्विक साधन होता है। एक आपका साहित्यिक साधन, ठीक है, साहित्यिक साधन में जो भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं वह भी हो जाते हैं, विदेशियों के विवरण हो जाते हैं, जो ऐतिहासिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक जो भी पुस्तकें होती हैं, पुरानी पुस्तकें होती हैं, उस भी साहित्यिक स्रोत में ही आती है। और एक साहित्यिक स्रोत होता है और दूसरा आपका पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। तो प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के दो स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, जो देशी और विदेशी दोनों भाषाओं में होते हैं। जो साहित्यिक स्रोत होते हैं वो देशी भाषाओं में भी होते हैं, विदेशी भाषाओं में होते हैं। अरे विदेशी जो यात्री थे, चाहे चीनी यात्री हो, चाहे रोमन यात्री हो, यूनानी यात्री हो, ये सभी क्या है? विदेशी यात्री है। तो इनके द्वारा जो भी कुछ लिखा गया वह क्या है? विदेशी विवरण है। साहित्यिक साधन भी दो प्रकार के होते हैं, एक धार्मिक साहित्य और एक लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में क्या आएगा? वेद आएगा, ब्राह्मण आएगा, आर्यक आएगा, उपनिषद आएगा।
जो बौद्ध ग्रंथ हैं, सूत्र पीटक, अभिधम्म पीटक, विनय पीटक, ये सभी क्या हैं? ये सब सभी धार्मिक ग्रंथ हैं। और लौकिक साहित्य में जो भी ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी गई हैं, ठीक है, वो सभी क्या हैं? लौकिक साहित्य है। जैसे बाणभट्ट का कादंबरी है, ठीक है, बाणभट्ट का कादंबरी है, या फिर पंचतंत्र है, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है, ठीक है, रात्रगड़ी, कल्लड़ का रात्रगड़ी है, पृथ्वीराज रासो का, पृथ्वी चंद्र प्रदाई का पृथ्वीराज रासो है, ये सब क्या है? ये सभी लौकिक साहित्य है, ठीक है। धार्मिक साहित्य भी दो प्रकार का होता है, एक ब्राह्मण ग्रंथ और एक अब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में हिंदू धर्म का जो ग्रंथ है, जैसे वेद, ब्राह्मण, आर्यक, उपनिषद, ठीक है, इतिहास, पुराण, ये सभी क्या है? रामायण, महाभारत, ये सभी क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। और अब्राह्मण ग्रंथ में जो बौद्ध और जैन ग्रंथ है, वो सभी क्या आएंगे? अब्राह्मण ग्रंथ में आएंगे, ठीक है। यहाँ डायग्राम के माध्यम से मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ इतिहास जानकारी के साधन। पहला जो साधन है यह आपका पुरातात्विक स्रोत है, मैं थोड़ा चेंज कर दूं इसका कलर। हाँ, पुरातात्विक स्रोत में क्या आएगा? अभिलेख आएगा, सिक्के आएंगे, स्मारक आएगा, चित्रकला आएगा, ये सभी क्या है? ये पुरातात्विक स्रोत है। और साहित्यिक स्रोत जो है थोड़ा विस्तृत है। देखिए साहित्यिक स्रोत में आएगा देशी साहित्य, देशी साहित्य में पहला धार्मिक साहित्य आएगा, धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ठीक है, और एक होगा धार्मिक, एक होगा गैर धार्मिक, ठीक है। गैर धार्मिक में आपका ऐतिहासिक जो भी ऐतिहासिक ग्रंथ है, उसमें गैर धार्मिक में आ जाएंगे, ठीक है। साहित्यिक और अन्य साहित्य स्रोत में विदेशी साहित्य भी है, जैसे यूनानियों के द्वारा जो लिखा गया, चीनी यात्रियों के द्वारा लिखा गया, अरबी यात्री, जैसे मोहम्मद गजनवी के समय में एक अरबी यात्री आया था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था अलबरूनी, अलबरूनी था, ठीक है, जिसने तहकीक हिंद लिखा हुआ था, ठीक है। जबकि पुरातात्विक सामग्रियों को भी तीन भागों में बांटा गया है, अभिलेख, मुद्राएं, भग्नावशेष, स्मारक, जो सिक्के हैं, वो सिक्के क्या हैं? सिक्के या अभिलेख। अभिलेख भी कई प्रकार के होते हैं, गुहालेख, मतलब गुफाओं में लिखा गया अभिलेख, स्तंभ लेख, शिला लेख, सम्राट अशोक ने ज्यादा से ज्यादा क्या लिखवाया था? अभिलेख लिखवाया था। तो ये अभिलेख हुए, मुद्राएं हुई, भग्नावशेष, स्मारक हुए, ये सभी क्या हैं? ये सभी पुरातात्विक स्रोत हैं, मतलब भारतीय इतिहास की जानकारी के ये सभी क्या हैं? ये सभी पुरातात्विक स्रोत हैं। तो ये सब क्या है? ये सभी भारतीय इतिहास की जानकारी के साधन हैं। भारतीय इतिहास को समझना हो, इतिहास को समझना हो, तो उसका क्या होगा? जो पुराने सिक्के हैं, आभूषण हैं, मुद्राएं हैं, शिलालेख है, स्तंभ लेख है, गुहालेख है, गुफाओं में लिखा गया अभिलेख, ये सभी क्या है? जानकारी देते हैं ना। कुछ साहित्यिक साधन भी देख लीजिए। साहित्यिक साधन यहाँ पर मैं चित्र के माध्यम से आप लोगों को बता दिया हूँ, जैसे ये जो भी इतना भी ग्रंथ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये सभी क्या है? ब्राह्मण साहित्य है, ठीक है। धार्मिक साहित्य, अब साहित्यिक साधन कौन कौन से हैं? धार्मिक साहित्य है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, ब्राह्मण उपनिषद, वेदांग की स्मृतियां भी हैं, जैसे रामायण, महाभारत, पुराण, इन सबको क्या बोला जाता है? स्मृतियां बोला जाता है। ये सभी क्या है? ये भी साहित्यिक साधन है, इतिहास की जानकारी के यह भी साधन है। अब्राह्मण ग्रंथ में क्या आएगा? जो भी बौद्ध और जैन जो ग्रंथ आएंगे वो अब्राह्मण ग्रंथ में आएंगे। फिर आपका लौकिक साहित्य आएगा, जो भी ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक जो भी पुस्तकें लिखी गई हैं, वो सभी क्या आएंगी? लौकिक साहित्य में आएंगी। किस्से, कहानियां, उपन्यास, जो भी कुछ लिखा गया है वो लौकिक साहित्य में आएगा। फिर ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक जो ग्रंथ, जो विदेशियों के द्वारा ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा गया है, जो राजाओं के दरबार में जो राज दरबारी हुआ करते थे उनके द्वारा जो लिखा गया है ऐतिहासिक ग्रंथ, जैसे मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, वो क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ है, जो मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत ही बढ़िया जानकारी देती है। अब विदेशियों का विवरण, जो जैसे आपका हेनसांग आया था, हेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में, जिसने ग्रंथ लिखा था, पुस्तक लिखा था सी यू की, ठीक है, भारत की यात्रा के समय में यह इसने ग्रंथ लिखा था सी यू की, हेनसांग ने, ठीक है। फिर उसके बाद जीवनी, फिर कल्पना प्रधान जो भी साहित्य है, इसलिए क्या है? वो सभी साहित्यिक साधन है, मतलब इतिहास की जानकारी जुटाने के लिए ये सभी साहित्यिक साधन है, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, पूरा का पूरा उत्तराखंड एलटी ग्रेड, उत्तराखंड एलटी ग्रेड इतिहास की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, पूरा का पूरा मेटेरियल आप लोग को दिया जाएगा। तो जो भी लोग सीरियस हैं, गंभीर हैं, वो लोग बिल्कुल जुड़ सकते हैं। विदेशियों के विवरण देखिए, तो विदेशियों के विवरण में यूनानी और रोमन लेखक, उनके द्वारा जो भी कुछ विवरण दिया गया। फिर चीनी लेखक, चीनी लेखक में तो बहुत सारे चीनी लेखक आए,
फायान आया था, फिर हेनसांग आया, फिर सिंग आया, ठीक है, ये सभी चीनी लेखक थे। और फिर उसके बाद अरबी लेखक भी आए, जब मुस्लिम आक्रांता आए तो उनके साथ अरबी लेखक भी आए, जिसमें एक प्रसिद्ध अरबी यात्री था अलबरूनी। अलबरूनी ने ग्रंथ लिखा था तहकीक ए हिंद, ठीक है। तो प्रसिद्ध अरबी यात्री अलबरूनी है, जो मोहम्मद गजनवी के समय में, यह क्या है यह भारत आया था महमूद गजनवी के समय में, ठीक है। भारत में आने वाले तीन बड़े चीनी यात्री कौन कौन से हैं, फायान, हेनशांग और इत्सिंग। इत्सिंग जो आया था सातवीं सदी में आया था, इत्सिंग सबसे बाद में कौन आया था, इत्सिंग आया था जो सातवीं सदी में आया था इत्सिंग। और हेनशांग हर्षवर्धन के समय में आया था, फायान आया था गुप्त शासक चंद्र विक्रमादित्य के समय में, ठीक है। हेनशांग की रचना जो है शी यू की है, और हेनशांग को बोला जाता है यात्रियों का राजकुमार, बोला जाता है। तो ये सभी क्या है, ये सभी इतिहास की ही जानकारी के साधन है ना। अगर ये विदेशी नहीं आए होते भारत में, और यह जो भी कुछ लिखे नहीं होते भारत के बारे में जानकर, भारत में यात्राएं करके, भारतीय राजवंशों के यहाँ राज दरबारी बनकर इन्होंने बहुत कुछ लिखा, और भारतीयों से बहुत कुछ सीख कर समझ कर उन्होंने ग्रंथ लिखे, और इसीलिए हम इतिहास की बहुत सारी जानकारियां विदेशियों के विवरण से भी जुटा पाते हैं, ठीक है। इतिहास शब्द का क्या अर्थ है, इतिहास का मतलब क्या है, क्या इसका अर्थ निकलता है? देखिए, इतिहास का अर्थ जो है, इतिहास शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, इति धन ह धन आस, इति ह आस, इन तीन शब्दों से ही इतिहास बना है। इति ह और आस, इन तीन शब्दों से इतिहास बना है, और इन्हीं तीनों शब्दों से इसकी परिभाषा, इसका अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है। इति ह आस, इन तीन शब्दों से इतिहास बना है, जिसका अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा हुआ। ये मत भूलिएगा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतिहास का अर्थ क्या है, निश्चित रूप से ऐसा हुआ था, निश्चित रूप से ऐसा हुआ, यह इतिहास का अर्थ है। और इति धन ह धन आस, इन तीन शब्दों से इतिहास बना है, जिसका मतलब होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ। आचार्य दुर्ग ने, जो बहुत बड़े इतिहासकार थे और इन्होंने इतिहास को परिष्कृत किया था, तो आचार्य दुर्ग ने अपनी निरुक्त भाव्य वृत्ति में इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि ये फिर संस्कृत में लिखा है, इति है, ये सब इतिहास में संस्कृत में लिखा है, अर्थात यह निश्चित रूप से इस प्रकार हुआ है, यह जो कहा गया है वह इतिहास है। मतलब इस जो संस्कृत भाषा में जो लिखा गया है, इति है व मासी दिति यह कथते तत इतिहास, अर्थात यह निश्चित रूप से इस प्रकार हुआ था, यह जो कहा जाता है वह इतिहास है। तो यह आचार्य दुर्ग के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी, आचार्य दुर्ग की पुस्तक है निरुक्त भाव्य वृत्ति, तो इस पुस्तक का नाम भी जरूर ध्यान रखिएगा, निरुक्त भाव्य वृत्ति, ठीक है। और उसी पुस्तक में यह परिभाषा दी गई है, जिसका मतलब ये निकलता है इतिहास जो है तीन शब्दों से मिलकर बना है, इति धन ह धन आस, मतलब निश्चित रूप से ऐसा हुआ था। इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किसने किया था भैया? इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग उसी महानुभाव ने किया था जिनको इतिहास का जनक कहा जाता है। यह है हेरोडोट्स, हेरोडोट्स का फोटो आप लोग देख रहे हैं, यह हेरोडोट्स है, यह महानुभाव जो है वो आपके हेरोडोट्स हैं। और इनको क्या बोला जाता है, इनको फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है, हिस्ट्री का जनक बोला जाता है। तो इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था, हेरोडोट्स ने इतिहास के लिए पहली बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। ग्रीक भाषा का हिस्टोरी, और हिस्ट्री शब्द का प्रयोग कैसे किया, अब इस हिस्ट्री शब्द का भी ध्यान रखिएगा, ग्रीक भाषा के हिस्टोरे शब्द, हालांकि यह रोमन यूनानी ही थे, इसलिए ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरे शब्द इतिहासकार के लिए प्रयुक्त है जो वाद विवाद का निर्णय करने में समर्थ होते थे। पहले ग्रीक भाषा में, ग्रीक समाज में, यूनानी समाज में हिस्टोरे उस व्यक्ति को कहा जाता था जो वाद विवाद का निपटारा करते थे, ठीक है। तो ग्रीक भाषा का शब्द है हिस्टोरे, इतिहास के कार्य के लिए प्रयुक्त है जो वाद विवाद का निर्णय करने में समर्थ होता था, अर्थात वह विषय का अच्छा ज्ञाता होता था। हेरोडोट्स ने हिस्ट्री शब्द का गवेक्षण एवं अनुसंधान के सातत्व से प्रतिपादित किया था। रेनियर ने हिस्ट्री को एक स्टोरी, देखिए रेनियर एक अलग विद्वान है जिन्होंने क्या माना है, हिस्ट्री को एक स्टोरी के रूप में प्रस्तुत किया है। रेनियर ने क्या कहा है, रेनियर ने हिस्ट्री को एक स्टोरी के रूप में प्रस्तुत किया है, जिनके अनुसार इतिहास को हिस्ट्री नहीं माना जा सकता, ठीक है, इतिहास वास्तव में अर्थहीन है। तो यह भाई यह कहना रेनियर का था, रेनियर ने इसे
हिस्टोरी के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन हिस्ट्री शब्द का उपयोग इतिहास के लिए किसने किया है? हेरोडोटस ने किया है। और हिस्ट्री शब्द किससे बना है? हिस्टोरी शब्द से बना है। हिस्टोरी का मतलब एक हिस्टोरी जो होता था इतिहासकार के लिए प्रयुक्त होता था ग्रीक समाज में, जिसका मतलब ये होता था कि वाद विवाद का निर्णय करने में वह व्यक्ति समर्थ है। ठीक है, मैं यकीन करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतिहास की परिभाषा, कुछ परिभाषाएं दी गई हैं इतिहास की जिसे आप लोग को समझना होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। इतिहास की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दी है, जिसमें कुछ परिभाषाएं निम्न है। देखिए, हेनरी पिरेन एक इतिहासकार हैं, इनके अनुसार इतिहास की परिभाषा क्या है? हेनरी पिरेन, इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों और उपलब्धियों की कहानी है। ये बात किसने कही है? हेनरी पिरेन ने कही है। ट्रेवेलियन के अनुसार क्या है? इतिहास अपने परिवर्तनीय अंश में से एक कहानी है। मैं पूरे यकीन के साथ बोल दूं कि अगर कोई एक परिभाषा, अगर कोई परिभाषा पूछ दिया ना इतिहास की, तो इसी में से पूछेगा। यह बात आप जान लीजिए, इससे अलग नहीं पूछने वाला है। ये वैसे परिभाषा तो बहुत है, सैकड़ों परिभाषाएं हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाली परिभाषाएं हैं इतिहास की, वह इसी इसमें मैं वह बताया हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर उत्तराखंड एलटी ग्रेड के प्रति अगर आप गंभीर हैं और 100% अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से पूरा करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है। ठीक है, पूरा कंप्लीट कोर्स आप लोग को मैं 799 में आप लोग को मिल जाएगा। 1499 रुपया रखा गया है, लेकिन यह डिस्काउंट में आपको 799 मिलेगा। उत्तराखंड एलटी ग्रेड मल्ली हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रेवेलियन के अनुसार क्या है? इतिहास अपने परिवर्तनीय अंशों में एक कहानी है, यह ट्रेवेलियन ने कहा है। लॉर्ड एक्टन के अनुसार क्या है इतिहास की परिभाषा? इतिहास मनुष्यों के व्यक्तिगत कार्यों का सामान्यीकृत लेखा जोखा है, जो कि नहीं सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए एक निकाय में एकीकृत होते हैं। ठीक है, ये लॉर्ड एक्टन की परिभाषा है। हुइजिंग के अनुसार क्या है? इतिहास अतीत की घटनाओं का विवरण है, यह हुइजिंग ने कहा है। इतिहास अतीत की घटनाओं का विवरण है, ये लॉर्ड एक्टन की जो परिभाषा है, ये थोड़ा सा इसे काट करिएगा, इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, इसे आप कट कर दीजिए। हुइजिंग के अनुसार इतिहास अतीत की घटनाओं का विवरण है, बहुत ही सिंपल परिभाषा है और यह आप लोग को अच्छे से याद भी हो जाएगा। डिल्थे के अनुसार क्या है? डिल्थे के अनुसार इतिहास वर्तमान में अतीतकालीन ज्ञान का अध्ययन है। इतिहास वर्तमान में अतीतकालीन ज्ञान का अध्ययन है। ये जो चार पांच परिभाषाएं मैं आपको बताया हूँ, ये बहुत ज्यादा रिपीटेड हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर इतिहास से संबंधित परिभाषा पूछा, अगर इतिहास का परिभाषा पूछा, तो यहीं से आएगा। उत्तराखंड एलटी ग्रेड के लिए जो भी लोग गंभीर हैं, मैं आप लोगों से यकीनी तौर पर बता दूं कि आपकी तैयारी बहुत बेजोड़ तरीके से हो जाएगी। सारे के सारे प्रश्न वहीं से आएंगे, जो प्रश्न मैं आप लोग को बता दूंगा, और ये सारे के सारे नोट्स भी मिल जाएंगे, सारी सारी टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। ठीक है, और सिलेबस वाइज सारे का सारा मटेरियल दिया जा रहा है, इसलिए जो भी लोग गंभीर हैं वो लोग हमसे जरूर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोगों को।